नमस्ते दोस्तों, मैं समीर गोयल जयपुर द पिंक सिटी चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। मैं एक इंजीनियर और एक एंटरप्रेन्योर हूं और आज के एपिसोड में मैं आपके साथ बात कर रहा हूं ऑफिस पॉलिटिक्स की, जो एक ऐसी चीज है जिसका सामना अपने प्रोफेशन में सभी को करना पड़ता है। पावर, पोजिशन और पैसों की होड़ में ऑफिस में लोग एक दूसरे को नीचे गिराने में लगे रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इससे बच नहीं सकते। ऑफिस पॉलिटिक्स को शांति से और ठंडे दिमाग से डील करने की जरूरत होती है। आज मैं आपको चाणक्य के कुछ ऐसे विचारों के बारे में बता रहा हूं जो आपको ऑफिस की पॉलिटिक्स से ना सिर्फ डील करना सिखाएंगे, बल्कि इससे आपको अपने कलीग्स के साथ काम करने में आसानी भी होगी। साथ ही साथ इन तरीकों को अपनाने से ऑफिस में आपकी इमेज और कैरेक्टर पर भी कोई उंगलियां नहीं उठा पाएगा। तो पहला सूत्र है, अपने गुस्से पर काबू रखें। अगर ऑफिस में आपको किसी की बात बुरी लगे तो आप अपने गुस्से पर काबू रखकर उसे विनम्र तरीके से समझाएं। इससे अपने सहकर्मी से आपके रिश्ते भी खराब नहीं होंगे और आप अपने सहकर्मी से अपनी बात भी कह लेंगे। दूसरा महत्वपूर्ण सूत्र है, भावनाओं में नहीं बहें। ऑफिस में लोग अक्सर भावनाओं में बहकर कुछ ऐसा बोल जाते हैं जो उन्हें नहीं बोलना चाहिए। बाद में इन बातों की वजह से उन्हें पछताना पड़ता है, लेकिन अगर आप पहले से ही अपनी भावना और जुबान पर काबू रखेंगे तो ऑफिस में आपकी बात को लेकर आपके खिलाफ किसी को कोई मौका नहीं मिलेगा। तीसरा सूत्र है, चुगलखोरी से दूर रहें। ऑफिस में काम करने वाले सभी सहकर्मी आपके लिए किसी ना किसी रूप में हेल्पफुल हो सकते हैं, अगर आप भी हमेशा उनके भले के लिए सोचें। इसलिए ऑफिस में आप कभी भी ना तो किसी सहकर्मी की बुराई करें और ना ही किसी सहकर्मी की बुराई सुने। साथ ही साथ आप अपने बॉस से भी किसी सहकर्मी की शिकायत नहीं करें। चौथा महत्वपूर्ण सूत्र है, गुटबाजी से हमेशा बचें। अक्सर ऑफिस में लोग कुछ गुटों में या ग्रुप्स में बड़ी जल्दी बढ़ जाते हैं। आपको ऐसी किसी भी गुटबाजी का हिस्सा बनने की बजाय अपने दिमाग से काम लेना चाहिए। आपको किसी पर पर्सनल या व्यक्तिगत टिप्पणी करने से बचना चाहिए। आपको सबसे एक समान व्यवहार करना चाहिए। ऑफिस में होने वाली फालतू की गॉसिप से हमेशा अपने आप को दूर रखना चाहिए। पांचवा महत्वपूर्ण सूत्र, अपने बॉस में विश्वास रखें। अक्सर लोगों को अपने बॉस की बुराई करने या पीठ पीछे उसकी चुगली करने की आदत होती है, लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। याद रखें कि आपका बॉस ही वह इंसान है जो आगे बढ़कर मैनेजमेंट से आपके प्रमोशन की बात करता है। इसलिए जरूरी है कि अपने बॉस को अपने साथ लेकर चलें और उसे कोई शिकायत का मौका ना दें। छठा महत्वपूर्ण सूत्र है, दोस्ती रखिए पर उसूल के साथ। चाणक्य के अनुसार अगर आप किसी बात को रहस्य रखना चाहते हैं तो उसे अपने सबसे करीबी मित्र से भी मत कहिए। ऑफिस में काम करने वाले लोगों के बीच में अक्सर अच्छी दोस्ती हो जाती है और दोस्ती होना बहुत अच्छी बात भी है। दोस्ती ही परस्पर सहयोग को बढ़ाती है, लेकिन आपको एक गोल्डन रूल हमेशा ध्यान रहना चाहिए और वह है कि हर कलीग को एक समान समझें और अपनी दोस्ती की खातिर किसी दूसरे कलीग से भेदभाव ना करें। सातवां महत्वपूर्ण सूत्र है, पॉजिटिव सोच रखें। बुराई कितनी भी बड़ी हो, लेकिन अच्छाई पर कभी भारी नहीं पड़ सकती और अच्छाई हमेशा अच्छे परिणाम देती है। जब आप कामयाब होने लगते हैं तो आपसे ईर्ष्या करने वालों की संख्या भी बढ़ने लगती है। आपको इसे पॉजिटिव लेना चाहिए। आपको ऐसे लोगों से अच्छा व्यवहार बनाए रखना चाहिए ताकि एक दिन उन्हें अपनी भूल का एहसास हो। और आलोचक हमेशा आपको आपकी कमियां दिखाता है, तभी तो सफल लोग अपने आलोचकों का मुंह अपने अच्छे कामों से बंद करने में विश्वास रखते हैं। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोफेशनल करियर से संबंधित और भी कई वीडियोस के लिंक्स दिए गए हैं, जिन्हें क्लिक करके आप बहुत सी यूजफुल जानकारी हासिल कर सकते हैं। प्रोफेशनल करियर और पर्सनल लाइफ में सफलता पाने के लिए ऐसी ही और भी बहुत सी बातें मैं आने वाले एपिसोड्स में आपके साथ शेयर करता रहूंगा। इसलिए आज ही हमारे YouTube चैनल जयपुर द पिंक सिटी को फ्री सब्सक्राइब कीजिए।